आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है, आदर्श गैस समीकरण की सहायता से मानक ताप एवं दाब पर 7.0 ग्राम नाइट्रोजन गैस का आयतन ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे हमें आदर्श गैस समीकरण की सहायता से मानक ताप व दाब एवं दाब, यानी कि एसटीपी को हम मानक ताप एवं दाब कहते हैं, नाइट्रोजन गैस का आयतन निकालना। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे कि मानक ताप एवं दाब पर मानक ताप एवं दाव पर हमारा आदर्श गैस समीकरण क्या होता है दोस्तों? आदर्श गैस समीकरण हमारा होगा, आदर्श गैस समीकरण बराबर पी भी बराबर एन आर टी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, पी भी एन क्या होता है, हमारा मोल की संख्या। ठीक है, पी हमारा दाव हो गया, वी हमारा आयतन, एन हमारे मोलों की संख्या है, तो मोल की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं वेट बटे एम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोलों की संख्या, हो गया वेट बटे एम, यानी कि गुने आर टी हम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आर टी ये हो गया हमारा भार और ये द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि परमाणु क्रमांक संख्या और परमाणु द्रव्यमान हो गया, तो हम यहाँ देखते हैं कि हम लिख लेते हैं पहले जो संख्या में मालूम है। ठीक है, तो पी बराबर मानक ताप एवं दाब पर पी होता है हमारा एक वायुमंडल। ठीक है, एक वायुमंडल एस टी पी पर हमारा होता है, ताप हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अर्थात ये हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए हमारा N2 के लिए हमारा N जो होगा, यानी कि N क्या हो जाएगा, N बराबर हमने क्या देखा, W बटे M, यानी कि परमाणु क्रमांक संख्या बटे परमाणु अनुभार। तो N का क्या होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु क्रमांक, बटे इसका N2 हो जाएगा, यानी कि अनुभार उसका 14 होता है, 14 × 2 यानी कि 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, N हमारा 1/4 हो गया। R क्या होता है दोस्तों, गैस स्थिरांक हमारा होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, मोल केल्विन ये हमारा आर हो गया। अब हमें क्या देखना है, टी देख लिया हमने, तो अब हम सूत्र में डालेंगे, यानी कि सूत्र में डालेंगे तो पी हमारा हो गया 1 × वी, हमें आयतन पता करना है, तो वी बराबर एन क्या हमें मिला दोस्तों, 1/4 × 0.821 × टी हमारा क्या होगा, 273, अर्थात इसे हम हल करेंगे तो हल करने पर वी हमें मिलेगा, वी बराबर हो जाएगा 5.6 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, हमें हमारा उत्तर मिल गया, हमें यहाँ पे निकालना था आयतन, आयतन भी हमारा आयतन है दोस्तों, आदर्श गैस में वी आयतन होता है, पी दाव होता है, एन मोल की संख्या, आर गैस स्थिरांक, टी ताप है, तो हमने आदर्श गैस समीकरण के अनुसार मानक ताप एवं दाव पर वी निकाला, वी हमें नाइट्रोजन गैस के लिए 5.6 लीटर मिला, ये हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।